पानी की टंकी के पास लगी ये भीड़ एक युवक को देखने के लिए जुटी हुई है जो पानी की टंकी पर चढ़कर सुसाइड करने की लगातार धमकी दे रहा है। ये किसी हिंदी फिल्म शोले की शूटिंग नहीं है, न ही शोले के अभिनेता इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन शोले फिल्म की पटकथा को एक युवक द्वारा वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। देर रात से ये युवक गांव के ही एक युवती से शादी करने की मांग को लेकर पानी के टंकी पर चढ़ गया है और सुसाइड करने की लगातार धमकी दे रहा है। खास बात ये भी है कि उक्त युवक ने एक सुसाइड नोट भी टंकी के नीचे छोड़ दिया है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ी हुई है और टंकी पर चढ़े युवक को नीचे उतारने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सात बजे चाहिए रात में, 7 बजे रात में चाहता है। यह कल रात से ही, रात के 8 बजे से यह लड़का विक्रम शेर का है, मधुबनी जिला में लोखी थाना के अंतर्गत। यह जो है सो कि एक लड़की के चक्कर में ऊपर में चढ़ गया है और कल रात के 8 बजे से यह ऊपर में है। कोई इसको कह रहा है नीचे उतरो, प्रशासन भी निर्मली थाना के आए थे, वो लोग कितना इसको मनाया, लेकिन इसका एक ही कहना है कि हम जिस लड़की से प्यार करते उस लड़की को यहाँ लाइए तब हम नीचे उतरेंगे। काफ़ी लोग, इनके माँ पिताजी सभी लोग आए, सभी के समझाने बुझाने के बाद भी यह रात के 8 बजे से अभी तक कंटिन्यू ऊपर में ही है। लोगों की भीड़ है यहाँ, सभी लोग कहने पर किसी का सुनाई नहीं देता है इसको, न किसी का सुनता है। यहाँ पे कल शाम में लगभग 8 बजे जो है ना आया और जो है चढ़ गया। हम अंदर में थे, जैसे दीवार का आवाज़ आया तो हम सोचे कौन है, जब तक मैं ये छज्जी पकड़ खिड़की पे चढ़ के ऊपर चढ़ गया और जैसे हम बोले कि उसको उतरो उतरो, तो वो बोल रहा है कि अब ऊपर चढ़िएगा तो जो हम कूद जाएंगे। इसी में जो है वो ऊपर चढ़ गया और जो हम तभी से सबको, मीडिया को और पुलिस प्रशासन को बताए। यहाँ आया रात हम सुने हैं,
ये कह रहे हैं जो हम दूसरे लड़की से शादी करेंगे तो हम तो परेशान हैं, जो आएंगे तो उसको हम कहें बुझा से समझा कर उससे शादी हम करवा देंगे, फिर उतरेगा तभी ना हम सब शादी उसको कर देंगे। कहाँ का रहने वाला लड़का? लड़का है विक्रम शेर का। पिता क्या करते हैं? गृहस्थ है, कुछ नहीं है। आप उनकी कौन है? हम फुआ है। तो आप, आपकी बात को मान रहा है लड़का? मानेगा, अभी तो हम आए हैं तब मानेंगे, सुनेंगे तभी ना हमको बात मानेंगे।